नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में। हम यहां पे डिस्कस करने वाले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, और जो भी आंकड़े हैं वो सारे यहाँ पे करोड़ में, तो किस तरीके का नंबर है और क्या ये स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग साबित होगा। यहाँ से तेजी बनेगी स्टॉक में नतीजों के बाद, या फिर यहाँ पे आएगी एक बड़ी गिरावट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रंट पे, तो आप इनकम का फ्रंट देख सकते हैं। टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर में आती हुई दिख रही 14,165 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं 13,381 करोड़ की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको एक बढ़त देखने मिल रही है। साल दर साल ये आंकड़ा अच्छा है, 10,788 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 14,000 करोड़ के पार जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं साल दर साल भी बहुत ही जबरदस्त जम जो है वो टोटल इनकम में देखने मिल रही है। लेकिन अगर एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है टोटल इस क्वार्टर का, आप देख सकते हैं 9,272 करोड़ की एक्सपेंस है, जो कि पिछले क्वार्टर में 8,624 करोड़ थी। तो 600 करोड़ से कहीं ना कहीं एक्सपेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साल दर साल देखिए 6,777 करोड़ से बढ़ के एक्सपेंस जो है 9,200 करोड़ के पार निकलती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट का जो आंकड़ा है इस क्वार्टर का वो कितना आता है दिख रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारे टैक्स निकालने के बाद 3638 करोड़ का नंबर आपको आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 3550 करोड़ के आसपास था। यानी कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक रीजनेबल बढ़त जो है वो देखने मिल रही है। साल दर साल 2973 करोड़ से बढ़ के ये आंकड़ा 3638 करोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आंकड़ा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम है। मार्केट का अनुमान 3700 करोड़ के ऊपर का नंबर था, तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नंबर जो है वो थोड़ा लोअर साइड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की है ईपीएस का, 59 रुपीज की ईपीएस इस क्वार्टर में आती हुई दिख रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 58 रुपए 67 पैसे के आसपास थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ पैसों से ही ईपीएस बढ़ी है 1-2 रुपए के आसपास मुश्किल से। वही साल दर साल देखें तो 49 रुपीज से ईपीएस बढ़ के जो 59 रुपीज के पार निकलती हुई दिख रही है। तो साल दर साल ईपीएस में एक अच्छी खासी बढ़त होती हुई दिख रही है। लेकिन अब यहाँ पे बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की, किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज जो है न्यू लोन बुक जो है मिलियन में अगर आप देखते हैं 9.86 का नंबर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ जो है आपको Q3 FY23 के मुकाबले अगर देख रहे हैं 26% की देखने मिल रही है। कस्टमर फ्रेंचाइज जो है 80 मिलियन के आसपास का कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो 3,10,000 करोड़ के पार निकल गया है। कंसोलिडेटेड पैट की अगर हम बात करें 3640 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा है। एनुअलाइज्ड आरओए अगर आप देख रहे हैं 4.9%, एनुअलाइज्ड आरओई की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आ रहा है 22% के आसपास का। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर की, लोन लॉस और प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो Q3 FY24 में 1248 करोड़ आया है अगेंस्ट 841 करोड़ इन Q3 FY23। तो ये आपका बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एनपीए के टर्म में, किस तरीके का एनपीए का यहाँ पे जो नंबर है वो आपको आता हुआ दिख रहा है, तो इस क्वार्टर में जो एनपीए वो है 0.95% और 0.37%, यानी कि नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें, जो कि पिछले साल अगर आप देख रहे हैं अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 1.14% था ग्रॉस एनपीए और 0.41 था नेट एनपीए, तो वो दोनों ही साल दर साल बेसिस पे आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की बात, तो 62% पे आपको बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वो नंबर है दोस्तों जिसके दम पे कल मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आज के दिन की अगर हम बात करें प्रॉफिट किस तरीके का स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, आज मार्केट में शानदार तेजी थी, उसका फायदा यहाँ पे भी देखने मिला। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में लगभग 1.5% की तेजी आज के दिन देखने मिली, 7,191 के आसपास की क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। लगभग 18,60,000 शेयर का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे हमको देखने को मिला। 8,192 का इसका 52 वीक हाई है, जहां से लगभग ये अभी 1,000 रुपए पीछे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। दिन की रेंज थी 7,085 लोअर साइड में और अपर साइड में थी 7,225 के आसपास की। लेकिन चार्ट पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमने कल यहाँ पे नतीजों से पहले की रणनीति के बारे में एक वीडियो डाला था, उसमें हमने डिस्कस किया था स्टॉक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के आसपास कहने का कामकाज कर रहा है, जो कि रेंज है 7,000 रुपए के रेंज है, जो कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि 200 ईएमए के नीचे स्टॉक पिछले 3-4 दिन से कामकाज कर रहा है। आज यहाँ पे तेजी जरूर है, एक रिवर्सल की कोशिश जरूर की है निचले लेवल 7,000 के आसपास सपोर्ट लेके। अब कल के दिन यहाँ पे नतीजों का जो रिएक्शन है वो आता हुआ दिखाई देगा,
तो मेक और ब्रेक डे जो है वो कल के लिए आपको हो सकता है। अपर साइड में हमने बात की 7,360 का वो लेवल है, जिसके पार जाने के बाद यहाँ पे कहने की स्टॉक जो है अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख सकता है, फिर ये स्टॉक 7,500 8,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर 7,000 का लेवल किसी कारण से टूटता है और मार्केट को ये जो नतीजे हैं वो अगर पसंद नहीं आते, या किसी कारण से मार्केट इसमें कुछ ऐसी चीजें पड़ता है जो कि पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको एनपीए में थोड़ी आपको कहीं ना कहीं बढ़त देखने मिल रही है, जो कि मार्केट कहीं ना नेगेटिव लेता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट का नंबर जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लोअर साइड में आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। नंबर अच्छे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, लेकिन एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे कम आया है, तो अगर उसके चक्कर में पनिशमेंट होना रहा तो यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 7,000 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर आपको यहाँ पे एक डाउन साइड रिस्क भी खुलती हुई दिखाई देगी, और 7,350 के पार निकलने के बाद यहाँ पे आपको और मोमेंटम अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी। अब कल देखने वाली चीजें होगी कि कल ये स्टॉक कितना गैप अप या गैप डाउन खुलता है। आपको क्या लगता है गैप अप खुलेगा गैप डाउन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।